है कि अगर किसी व्यक्ति को न्याय भी देर से मिले तो वह न्याय भी अन्याय होता है। ठीक ऐसा ही एक रोचक मामला बक्सर जिले से आया है। बता दें कि यह मामला 43 साल पहले का है। 43 साल पहले एक बच्चे पर शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज हुआ था और अब जाकर 53 साल की अधेड़ उम्र में उन्हें इस मामले में न्याय मिला है और उन्हें दोष मुक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस बच्चे पर डुमराव थाने में धारा 148 एवं 307 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था। बीते मंगलवार को प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट किशोर न्याय पार्षद राजेश सिंह के द्वारा इस मामले का निष्पादन किया गया था। 43 साल बाद शस्त्र अधिनियम के तहत आया यह फैसला कोर्ट में चर्चा का विषय बन गया है। चलिए अब आपको यह पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। बक्सर जिले की चौगाई निवासी स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह के 10 वर्षीय पुत्र के खिलाफ साल 1969 में 7 सितंबर को डुमराव थाना में धारा 148 व 307 भारतीय दंड संहिता एवं 27 शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था। उस समय उस बच्चे की आयु केवल 10 वर्ष 5 महीने की थी। बता दें कि यह मामला किसी के खिलाफ मारपीट और शस्त्र प्रदर्शन का था। मामले में चार्जशीट दायर की गई जिसके बाद इस बच्चे को मुकदमा 1 नवंबर 2012 को एजी जेएम द्वितीय के न्यायालय से अंतरित होकर किशोर न्याय परिषद में पहुंचा। किशोर न्याय परिषद में यह मामला उसके बयान के लिए काफी दिनों तक लंबित रहा और बीते मंगलवार को 55 वर्ष के अधेड़ हो चुके आरोपित बयान लेने के बाद न्यायाधीश राजेश सिंह ने अभियोजन पक्ष से कोई भी साक्षी उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें बचपन के केस से दोष मुक्त करने का फैसला सुना दिया। इस तरह से करीब 42 साल बाद जिस 10 साल के बालक पर केस दर्ज किया गया था वह 55 साल की उम्र में दोष मुक्त हो पाया। इस न्याय के लिए उन्हें काफी लंबा इंतजार करना पड़ा पर देर से ही सही मगर न्याय मिल ही गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।